हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है APGT नागरिक शास्त्र का भाग 56 है। तो अगर आप TGT, PGT, LT ग्रेड और GIC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का 56 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टू वर्ड्स स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? टू वर्ड्स स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है महात्मा गांधी, ऑप्शन दो है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन थ्री है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने टू वर्ड्स स्ट्रगल नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। टू वर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। जयप्रकाश नारायण एक समाजसेवी, राजनीतिक व लेखक हैं। उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना है ये बताना है आपको। ऑप्शन एक है 535, ऑप्शन दो है 538, ऑप्शन थ्री है 435 और ऑप्शन फोर है 335। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों तीन सही हो जाएगा, 435। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है। व्याख्या देख लीजिए। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है, जिसे 1929 में निर्मित व 1941 में संशोधित किया गया था। आगे देखिए दितांत का अर्थ है, दितांत का अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन एक है महाशक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्व स अस्तित्व, तनाव की समाप्ति, तनाव की शैथिल्य। आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर, तनाव का शैथिल्य होना दितांत का अर्थ है। अगला व्याख्या देख लीजिए। दितांत का अर्थ है तनाव का शैथिल्य। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रायः इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उसमें बढ़ने वाली सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के संदर्भ में किया जाता है। आगे देखिए तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अल्फ्रेड सावी द्वारा, फ्रेंच फेनान द्वारा, वर्नाल्ड बारुच द्वारा, विली ब्रांट द्वारा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक, अल्फ्रेड सावी द्वारा तृतीय विश्व युद्ध पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे देखिए व्याख्या इसका। तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड सावी द्वारा किया गया था। वे एक फ्रांसीसी लेखक थे। सावी के अनुसार तीसरी दुनिया शोषित देशों का समूह है, जहां विकास के नाम पर सब नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं है। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है यह किसने कहा है? ऑप्शन एक है लास्की, ऑप्शन दो है ब्राइस, ऑप्शन तीन है लावेल, ऑप्शन फोर है बर्क। तो आंसर जो हो जाएगा 60 का फ्रेंड दो हो जाएगा ब्राइस। 60 का क्या हो जाएगा दो ब्राइस। व्याख्या देख लीजिए। ब्राइस ने कहा था कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। उनका मानना है कि राजनीतिक दल सदियों से चला आ रहा जो जनतंत्र से कहीं अधिक पुराना है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। मिखाइल गोरबाचोव ने प्रस्तावित किया, मिखाइल
गोरबाचोव ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन एक है पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता, ग्लासनास्त और पेरेस्लोइका। तीसरा है चीन के साथ संधि और चौथा है पूर्वी यूरोप का सैनिकरण। तो ऑप्शन दो सही हो जाएगा दोस्तों। मिखाइल गोरबाचोव ने प्रस्तावित किया था ग्लासनास्त और पेरेस्लोइका। व्याख्या देख लीजिए, मिखाइल गोरबाचोव ने ग्लासनास्त और पेरेस्लोइका प्रस्तावित किया। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? इसका आंसर सभी लोग को मालूम होगा, भारत और चीन विवाद से, भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है कोलंबो प्रस्ताव। व्याख्या देख लीजिए, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। यह प्रस्ताव वर्ष 1962 के युद्ध के बाद पड़ोसी देशों द्वारा लाया गया। इन देशों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में एक सम्मेलन किया। कोलंबो सम्मेलन में 5 सूत्र स्वीकार किए गए। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है। ऑप्शन एक है 15, ऑप्शन दो है 7, ऑप्शन थ्री है 11, ऑप्शन फोर है 9। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। 9 गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। व्याख्या देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कानून के अनुसार गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग के पीस पैलेस में स्थित है, और हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रीट या याचिका मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? निम्नलिखित में से कौन रीट मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? ऑप्शन एक है प्रतिषेध, ऑप्शन दो है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन थ्री है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन फोर है परमादेश। तो आंसर दो हो जाएगा दोस्तों, थ्री हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्याख्या देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से उसके निजी अधिकारों से वंचित करने की सभी स्थितियों में एक उपाय के रूप में उपलब्ध है। यह गैर कानूनी या अनुचित नज़रबंदी से तत्काल रिहाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन एक है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन दो है नार्थियोट पार्किंसन ने, ऑप्शन थ्री है रेमजे मेयर ने, ऑप्शन फोर है पीटर ड्रक ने। तो आंसर जो हो जाएगा दो हो जाएगा दोस्तों, नार्थियोट पार्किंसन ने यह नियम प्रतिपादित किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, ये किसने कहा है? तो पार्किंसन ने कहा है, ऐसा आप जान लीजिए। व्याख्या है, नार्थियोट पार्किंसन के अनुसार कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए, वर्षा पैक्ट समाप्त हुआ था, वर्षा पैक्ट कब समाप्त हुआ था ये बताना है। ऑप्शन एक है जुलाई 1990 में, ऑप्शन दो है जुलाई 1991 में, ऑप्शन थ्री है अगस्त 1990 में, ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1991 में वर्षा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया, और लाया गया था 1955 में, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। कहीं कहीं लिखा गया है 25 फरवरी 1991
91 25 फरवरी 1991 को समाप्त किया गया है, ऐसा भी कहीं कहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन में देख रहे हैं तो जुलाई है, और अधिकांश जगह हमने देखा है कि 1 जुलाई ही लिखा गया था। तो आंसर आपका दूसरा ही सही होगा, और आप लोग खुद समझदार है, देख लीजिएगा। अगला व्याख्या देख लेते हैं। नाटो में पश्चिम जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद ही सोवियत संघ और उसके आश्रित राज्यों के बीच वारसा संधि का हस्ताक्षर किए गए। यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था जिसमें पश्चिमी देशों में जर्मनी की नाटो सदस्यता के विरुद्ध सोवियत प्रक्रिया के रूप में देखा था। शीत युद्ध की समाप्ति का माहौल 1 जुलाई 1991 को वारसा पैक्ट समाप्त कर दिया गया। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है? फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा प्रेस को कहा जाता है, ये आंसर सभी लोग जानते होंगे। व्याख्या देख लीजिए। प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह वह स्तंभ है जो समाज में व्याप्त बुराइयों को बाहर लाता है और सरकार के ऊपर दबाव बनाता है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 इधर दिया है, ए है विकासवादी समाजवाद, तो इसका संबंध किससे है ये बताना है, और एक है वैज्ञानिक समाजवाद, तो इसका संबंध हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। ये किसका संबंध हो जाएगा? कार्ल मार्क्स से, ये याद रखेंगे, इनका संबंध कार्ल मार्क्स से हो गया। और इसके बाद है विकासवादी समाजवाद, तो इसका संबंध आपको मालूम होगा कि ये वर्न स्टीन से है, इसका संबंध जो ए का है वो 3 से हो जाएगा, वर्न स्टीन से। और बचा अब तो पहले से हम मिलाते हैं बी का, पहले देखते हैं बी का पहला, तो बी का पहला ये दोनों में से कोई आंसर होगा। बी से अगर मिला लेते हैं कि बी का पहला, तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसके बाद हमारा ए मिल गया है, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा दोनों दिया है, तो अब आगे भी हमको मिलान करना पड़ेगा। काल्पनिक समाजवाद का किससे संबंध है? तो काल्पनिक समाजवाद का संबंध है आपका सेंट साइमन से, सेंट साइमन से हो गया। तो सी का दूसरा, सी का दूसरा, तो आप ये देख रहे हैं कि पहला नंबर सही हो जा रहा है। अब बचा है ये, तो इसका आखिरी से ही हो जाएगा, डी का अराजकतावाद, क्रोपोटकिन, क्रोपोटकिन। तो इस तरह मिलान कर लेंगे, पहला नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, वही मिलान है दोबारा, विकासवादी समाजवाद वर्नस्टीन, वैज्ञानिक समाजवाद किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन से, अराजकतावाद क्रोपोटकिन। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिष्ठा देता है? प्रतिनिधि का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? ऑप्शन एक है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। तो 69 का दोस्तों आपका 4 सही हो जाएगा, क्रांतिकारी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत ही प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष लोक को प्रतिष्ठा देता है। व्याख्या देख लीजिए, प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। इसमें लोकमत का सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, इसमें लोकमत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीय के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया है? ऑप्शन एक है ताशकंद समझौता में, ऑप्शन दो है शिमला समझौता में, ऑप्शन थ्री है कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव, ऑप्शन फोर है गुजराल सिद्धांत। तो आंसर जो हो जाएगा 2 सही हो जाएगा दोस्तों, शिमला समझौता, ठीक है शिमला समझौता। भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीय के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश है? तो वह समावेश है शिमला समझौता में। व्याख्या देख लीजिए, 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला समझौता में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए।
इसमें शिमला समझौता कहते हैं। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सभी विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्व समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं कि इसी जो चैनल है जिस नाम से UPSC Info 24, उसी नाम से हमने टेलीग्राम भी बना रखा है। उस पे जो भी वैकेंसी आती है, झारखंड की अभी वैकेंसी आई है तो उसके बारे में नोटिफिकेशन उस पे डाल दिया है, और जो भी आती है वैकेंसी, जो भी चीज़ें, तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल देते हैं UPSC Info 24 पे। वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें, कौन सी परीक्षा कब होनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो वैसा आता है तो उस पे डाल देते हैं नोटिस, आप उस पे देख लिया करिए। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। और सभी लोग जो हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और इसलिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।